हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मी एंड यू वाचिंग मोमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैर और आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन एंड सुम्मा आमीन। और ये है मगरिब का समय, मैंने नमाज़ पढ़ी और आज मैंने डिसाइड किया है कि मम्मी आज आप मेरी वीडियो बनाएंगे और मैं बनाऊँगी आज फॉर डिनर। तो आज के डिनर में है चिली पनीर और है आपकी फ्राइड राइस। तो चिली पनीर के लिए आपको क्या लेना है, 250 to 300 ग्राम्स आपको पनीर लेनी है फ्रेश। देन उसके बाद ग्रेवी के लिए आपको ले लेना है कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम हो या आपको येलो कैप्सिकम, मतलब कलरफुल कैप्सिकम हो तो ज़्यादा बेहतर है। और 2 and 3 आपको आनियन लेनी है। वैसे बेसिकली मैं हेल्प करती हूँ मम्मी की और मम्मी बनाती हैं खाना, लेकिन आज मैं बनाऊँगी और मम्मी करेंगी हेल्प करी। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदरक लहसुन, मतलब अदरक ले लिया हुआ है, मतलब छोटे छोटे शॉप कर लिए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आपके गार्लिक, कम से कम 4 से 3 लहसुन आपके जो भी आप बना रहे हैं, जैसे चिली पनीर बना रहे हैं तो उसके ग्रेवी के लिए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर पनीर के लिए कोटिंग की जा रही है, तो यहाँ पर कश्मीरी मिर्च आपको ले लेनी है 1 चम्मच और उसमें ही आपको चिली सॉस मिला लेना है और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्सअप कर अच्छी तरीके से आपको अपनी पनीर को कटअप कर लेना है और उसके ऊपर कोटिंग कर लेना है। हाँ, मैंने एक चीज़ बताने भूल गई, इसके बीच में आपको ये लेना है आपको मैदा और कॉर्नफ्लोर को मतलब बराबर बराबर से लेकर मिलाने के बाद उसको पहले अच्छे तरीके से डस्ट अप कर लेना है अपनी पनीर के ऊपर। देन आफ्टर आपको जो ये चिली है वो डाल लेना है। एक्चुअली मम्मी लोग की आदत पता है क्या होती है कि अपने बच्चों को भी अकेले नहीं छोड़ते, या कुछ भी हो, कोई भी काम हो तो मम्मी उसमें भी काम करते, नहीं नहीं मैं ये कर दे रही हूँ, मैं ये कर दूँगा, ठीक है आप कर दो, क्योंकि होता ना कि मिर्चें हैं तो हाथ में लग जाएंगे, नहीं नहीं तुम फिर मुँह पर लगा लोगी, फिर ऐसा हो जाएगा, खैर माँ है। और ये यहाँ पर मैंने चिली की सारी चिली निकाल ली हैं। यहाँ पर है आपके ग्रीन चिली पेस्ट और यहाँ पे है आपके टमाटो और यहाँ पे सोया सॉस, सारे सॉसेस को मैंने निकाल लिए हुए हैं। यहाँ पे चिली को आपको अच्छे तरीके से कोट अप करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए साइड अप कर देना है। एंड देन आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है आपके फर्स्टली आपको प्रिपेयर करना है ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया हुआ है और सबसे पहले आप जो आपकी पनीर थी उसको आपको शैलो फ्राई करना है। हाँ, डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अदरवाइज बहुत ऑयली हो जाता है। तो शैलो फ्राई करने के बाद ही आप उस ऑयल को या तो आप हटा लें या तो फिर उसमें ही आप अपने ग्रेवी को बना सकते हैं। तो वन बाय वन मैंने ग्रेवी सॉरी पनीर को अपने कर लिया है शैलो फ्राई। देन शैलो फ्राई करने के बाद अब मैंने उसी ऑयल में मैंने छोटे जो मैंने शॉप किए थे ना अदरक लहसुन वो डालना है आपको, बहुत छोटे छोटे कर देना, या तो आप चाहें हैंड वाला आपका आता है शॉपर तो उसमें अभी शॉप कर सकते हैं, अदरवाइज अपने हैंड की हेल्प से भी कर सकते हैं। और हाँ, आनियन तो आप सभी जानते हैं कि इसको 20 से ओपन कर दिया जाता है तभी इसका टेस्ट आता है, आपको एकदम रफली शॉप नहीं करना है, आपको 20 से उसको ओपन करके रखना है। और वैसे ही आपको ये कैप्सिकम को भी वैसे करना है, खैर मेरे पास ग्रीन कैप्सिकम थी दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग। और यहाँ पे है आपका कॉर्नफ्लावर को आपको वाटर में डालकर अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ग्रेवी को थिक बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्टली मैंने अच्छे तरीके से अपनी सारे वेजिटेबल्स को डाल दिया है और मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढककर बना दिया था ताकि ये वो अच्छे से सॉफ्ट होता है। आफ्टर जितने भी सॉसेस मैंने निकाले थे ये सारे कम से कम 3-3 स्पून है या वैसे ही डिपेंड करता है आपकी पनीर की क्वांटिटी पर कि आप कितना बना रहे हो, और साल्ट और टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। तो जितनी भी ग्रेवीज हैं और ये जो बचा हुआ था आपका कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने जो पेस्ट बनाया था वो, एंड देन अच्छी तरीके से आप आधे घंटे नहीं 20 मिनट तक मेरा बन गया था। कलर मशरे इसके बहुत अच्छे आए थे, कैमरे में थोड़ा सा ये डार्क जरूर लग रहा है लेकिन ये कलर बहुत अच्छा आया था। क्या आई डिड इट। देन अब यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है आपकी फ्राइड राइस की। तो फ्राइड राइस का पार्ट मम्मी ने कहा कि अब तुम छोड़ दो, मैं कर दे रही हूँ, अंकल ठीक है माता श्री आप ही कर दें।
मम्मी लोग तो कभी किसी भी काम में अकेला छोड़ती ही नहीं है, तो किचन में भी शायद लगी रहती हैं, अच्छी बात है। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ मुझे मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी कुकिंग आती है वो मेरी मम्मी ही के बदौलत आती है। तो यहाँ पे फ्राइड राइस की प्रिपरेशन चल रही है, तो आपको जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आपके पास वो सबको अच्छे तरीके से ग्राइंड अप कर लें। हाँ वाला मिक्सर आता है, हैंड मिक्सर, उसमें अच्छे तरीके से चॉप अप कर लें या अपनी हैंड से कर लें। देन इसमें हमने एक पैकेट आता है फ्राइड राइस का, चिंग फ्राइड राइस मसाला आता है, वो मसाले इसमें डाले, बहुत मज़े का अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। एंड देन माशाल्लाह से मैंने इतना टेस्टी आज डिनर बनाया है रमज़ान के दिन में, सब ने टेस्ट करके बहुत तारीफ़ की, बहुत तारीफ़ की। एंड आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे बनाया और आप बनाते कैसे हैं। एंड आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।